अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और एक नई वीडियो के साथ दोबारा हम आए हैं और एक रैंडम बल्कि हम डिस्कशन कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा जी आपको भी हम इसमें बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर आपको आगाह करेंगे तो हमारे लिए ये एक खुशी की बात होगी कि आप भी इसमें हो। तो हमारे दोस्त उसामा बैठे हुए हैं, तो उसामा का सवाल था कि जी खबर साहब मुल्तान क्यों ना लें, आप हमें मुल्तान में ले कर दें कि आपने लाहौर और हर जगह पर आप इन्वेस्टमेंट हमें एडवाइस करते हैं। तो मैं जैसे उसामा भाई आपने सवाल पूछा है तो उसमें मैं मुल्तान को इसीलिए रेकमेंड अब करना शुरू हो गया हूँ कि ये अंडर वैल्यू है। तो DHA मुल्तान अगर अंडर वैल्यू है, करोड़ पे के अंदर आप देखें ना, इसको पर मरले के हिसाब से कितना, 5 लाख रुपए मरला, आप ये देखें ना पर मरले के हिसाब से देखें। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी दोस्त सराइकी बेल्ट के हैं, तो ये सराइकी बेल्ट वाले जितने हमारे दोस्त हैं बकौल उनके कि ये सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, सबसे सस्ता एक मोहल्ला है, सबसे सस्ता एक टाउन है जहाँ पर 5 लाख रुपये मरला है। तो अगर करोड़ पे का एक कनाल का प्लॉट है तो मेरे ख्याल उसामा साहब बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ इसको लेना चाहिए आपको। और हम तमाम दोस्तों के साथ माशाल्लाह जितने हम अपने सेविंग्स के तौर पर अगर बैंक में पैसे रखते हैं तो वो बैंक है, DHA मुल्तान के अंदर पैसे रखें और बिल्कुल इसके अंदर ज़रूर खरीदें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आमिर साहब आपने पूछा है कि फेज़ 9 प्रिज्म का क्या फ्यूचर देख रहे हैं। फेज़ 9 प्रिज्म का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने मुस्तकबिल पूछा है, हाल उसका इस वक्त थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है लेकिन वो बुरा नहीं है, वो अपनी हालत के ऊपर वापस आ रहा है, उसको आप थोड़ा सा टाइम दें। ये अगर तहरीक यूं ही चलती रही तो ये तो प्लॉट 4-5 करोड़ रुपए पे चले जाएंगे। इसको ज़रा नीचे आने दें, इसको स्टेबल होने दें, हर बंदे की पहुंच में आने दें, लोगों को ख़रीदो फरोख्त करने दें, तमाम तर लोग आएँ। तो आई होप कि मेरा ख्याल है ये आपको मुख्तसर क्वेश्चन का मुख्तसर। 9 टाउन की क्या सूरत है? 9 टाउन गुजरगाह है, घर बन चुके हैं। मैं वही बता रहा हूँ, 9 टाउन में सारे घर बन चुके हैं, ये एक गुजरगाह है, उस गुजरगाह में से गुजर के आप जाते हैं फेज़ 9। बहुत अच्छा मुस्तकबिल है, इसको मैं 1.5 करोड़ रुपये पे फॉरकास्ट करता हूँ। इसके और घर बनने दें, गैस प्रैक्टिकली आने दें, जिस दिन गैस आ गई, जब ये गैस आ जाएगी तो फिर वहाँ पे रौनकें शुरू हो जाएंगी, रेंट भी बढ़ जाएगा, 1-1 लाख रुपया रेंट 5 मरले घर का होगा, जिसने 9 टाउन रखा वो फ़ायदे में होगा। ये तो इसमें तो एब्सोल्युटली कोई वो नहीं है, आप अपार्टमेंट्स को कंपेयर कर लेना, 10 मरले के अपार्टमेंट्स हैं तो 10 मरले के अपार्टमेंट्स में अस्करी में इस वक्त 2-2 करोड़ रुपये के हो गए हैं, 4th फ्लोर पे, आसमान पे, 7वें फ्लोर 7वें आसमान के ऊपर आप रह रहे हैं, इसमें ना ज़मीन अपनी जी। तो ये डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग वो पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन एनी हाउ 9 टाउन बहुत अच्छा है। तीसरा सवाल मैं आपकी तरफ उसामा साहब आता हूँ, तीसरा सवाल खुरम साहब ने पूछा, DHA कोयटा एक ऐसी ट्रेन है कि कभी भी आप उसके अंदर सवार हो सकते हैं, ये वो ट्रेन है कि इसको लेने के बाद लोग पछताते हैं, लेने से पहले लोग कहते हैं कि हम ले लें। तो इस वक्त अपने इंग्लिश में कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस और देखें कि ट्रेन किस तरफ जा रही है, किस सिम्ट में जा रही है, हर बंदे को मौका मिलेगा, कोयटा लेते रहेंगे। अपने आप को इतना मिक्स ना करें कि हमने जहाँ आपकी स्पेशलिटी है, जहाँ आपका ग्रुप ऑफ दोस्त और जहाँ आपकी रियल स्टेट एडवाइजरी है बैठी हुई है उसके मुताबिक चलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्तों को सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और इसी तरीके से हमारी रैंडम गपशप का इंशाल्लाह आप हिस्सा बनते रहेंगे और जैसे जैसे हमारी लाइव गुफ्तगू अपने दोस्तों के साथ होती रहती है, मौके की मुनासिबत से सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब फॉर कमिंग, उसामा साहब फॉर कमिंग, और इट वॉज़ प्रिविलेज टू हैव यू एज वेल मिस्टर खुरम। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह व्यूअर्स आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हम देते रहेंगे, आपको अपने डिस्कशंस में इंशाल्लाह हम एंटिसिपेट करवाएंगे, आपको डिस्कशंस में इन्वॉल्व रखेंगे ताकि कीमती आपको मशवरे और कीमती इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब अस, थैंक यू वेरी मच। खावर प्रॉपर्टीज़ की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।